हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय। अगर मैं आपसे पूछूं एक वॉर कितना दिन तक चल सकता है, तो आपका जवाब कुछ ऐसा होगा 6 महीने, 1 साल या 10 साल। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी वॉर हुआ था जिसको सुन के आप यही कहोगे, ये क्या है। तो चलिए जानते हैं क्यों और कैसे एक वॉर शुरू होते ही 38 मिनट के अंदर खत्म हो गया था। और इस युद्ध के पीछे का रहस्य आज हम जानेंगे। तो बात कुछ ऐसा था, 1890 के दशक में जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में एक समझौता हुआ था जांजीबार को लेके। तो एंड में ये फाइनल हुआ, ब्रिटेन अब से जांजीबार को संभालेगा। अभी के तांजानिया देश के पास एक आइलैंड है जिसका नाम है जांजीबार। 1890s में ब्रिटिश एम्पायर ने एक सुल्तान को बिठाया था जिसका नाम था हमाद बिन, जो सिर्फ ब्रिटिश को फॉलो करता था और वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता था। तो हमाद बिन जो सिर्फ नाम का सुल्तान था, 1896 में वो चले गए। हमाद बिन के चले जाने के बाद उसका छोटा भाई खालिद बिन ब्रिटेन को बिना बताए वहाँ पे खुशी से राज कर रहा था। और बाद में जब ब्रिटेन को ये पता चला तो उन्होंने कई वार्निंग्स भेजे खालिद साहब को, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। तो 26 अगस्त को लास्ट वार्निंग दिया गया, तो 27 अगस्त की सुबह 9 बजे के अंदर उन्हें ये आइलैंड खाली करना होगा। लेकिन खालिद भाई भी थे स्टार्ट लौंडा, वो कहाँ मानने वाले थे। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि जाओ, हम नहीं झुकेंगे। एक्चुअली उनको लगा था कि ब्रिटेन अटैक नहीं करेगा, लेकिन हुआ पूरा उल्टा। 2 मिनट में जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दी है। तो अगले दिन सुबह 9 बजे के अंदर ब्रिटेन के बहुत सारे शिप्स आइलैंड के सामने आके खड़े हो गए थे। और ठीक 9 बजे बम मारो बम शुरू हो गया था। सिर्फ 2 मिनट में आधा आइलैंड बर्बाद। वॉर शुरू होने के 2 मिनट बाद खालिद भाई साहब पीछे के दरवाजे से निकल लिए, यानी भाग गए। और इधर बम मारो बम कंटिन्यूटी पे था। तो 9:40 पे पूरा आइलैंड मिट्टी में मिल चुका था। और सिर्फ 38 मिनट्स में ब्रिटिश को अपना खोया हुआ आइलैंड वापस मिल गया। तो कुछ ऐसे खत्म हुआ एंग्लो जंजीबार वॉर, जिसे इतिहास का सबसे छोटा वॉर का खिताब मिला। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको एंग्लो जंजीबार वॉर का हिस्ट्री बताया। अगर आपका इस रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो, आप नीचे कमेंट करना ना भूलें। और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, नहीं और कमेंट करें वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा पसंद आया। और सबके साथ ये वीडियो शेयर करें, हो सके तो सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे वीडियो आपको बहुत सारे मिले। और दोस्तों, मैंने एक थोड़ा अलग वीडियो बनाया है, अगर आपको ऐसा पैटर्न पसंद है तो ऐसी वीडियोस और भी आने वाली है। कमेंट करके बताना कि आपको ऐसा वीडियोस और चाहिए, या फिर जो मेरा रेगुलर वीडियो था वैसे बनाओ, फीडबैक जरूर देना। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मजेदार सब्जेक्ट पे। तब तक के लिए खुश रहे, सेफ रहे और सबके साथ साथ अपना भी ख्याल रखे। गुड बाय।